मेरा पुत्र शिकायत राजा के पास पहुंची, राजा आज एक बहुत बड़ा आपके सामने केस आ रहा है। कैसा है? का एक पुत्र है, एक बालक है और दो बेटा है। वो कहती मेरा, मेरा किसको दे दे? तो राजा ने कहा बुलाओ। क्यों क्यों नहीं? कहा जी ये कहती है मेरा बालक है, ये कहती मेरा बालक, ये कहती मेरा बालक। राजा ने कहा ये न्याय मुझसे नहीं होगा। प्रसन्न रहते थे, आज प्रसन्न क्यों नहीं? इसलिए प्रसन्न है कि मेरे दरबार में केस है। अब वो केस पेश करते हैं, कैसे है? दो बेतारी और एक बालक। वो कहती मेरा, वो कहती मेरा, हमें किसको जलाना? राजा साहब से कहा राजा साहब तुम नहीं समझते, तुम भोजन करो, ये न्याय मैं करूंगा। तुम तो भोजन करो। राजा से कहा भोजन करो, भोजन करने को बैठ गए। राजा साहब भोजन अच्छे से किया, रानी जाती है दरबार में, सब लोग प्रसन्न हो गए। आज तो रानी आई है, आज तो रानी आई है। रानी ने कहा किसका पुत्र है? कहती मेरा। इसलिए कि बस दूर का हो सकता नहीं जी हमारा है, नहीं जी हमारा है। अब एक पुत्र है, दो बेटारी है, दोनों चाहते हैं तो क्या करें? उसी समय रानी ने कहा जल्लाद तलवार लेके आओ। जल्लाद तलवार लेकर के आओ। कहा फिर क्या करेंगे? तलवार कहा इस बालक को काट दो, आदर्श को दे दो, आदर्श को दे दो। जल्लाद तलवार के लिए चमकते हुए जवान। उसी समय रानी ने समझ लिया कि पुत्र इसका है और कब्जाइए की हुई है। तो बोली श्री रामचंद्र भगवान की है, माता का ममता कितना होती है कि जिसने अपने पुत्र को मारते हुए देखा उसी समय के लिए मेरा नहीं। माँ के पास ममत्व होता है और ममत्व में वात्सल्यता छिपी रहती है। Yeah.
उसी समय रानी ने समझ लिया कि पुत्र इसका है और कब्जा ये की हुई है, तो बोली श्री रामचंद्र भगवान की है। माता का ममता कितना होती है कि जिसने अपने पुत्र को मारते हुए देखा उसी समय के लिए मेरा नहीं। माँ के पास ममत्व होता है और ममत्व में वात्सल्यता छिपी रहती है। बोलिए महापति महादेव की है। सजरो ध्यान दीजिए, अभी थोड़ा सा क्योंकि कार्य सुनो। एक बार भक्त ने विचार किया कि भगवान की शरण में जाएंगे, ये बोला ज्ञानी का और भक्त का दोनों भगवान की शरण में जाएंगे और जिसके लिए भगवान पहले बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा। जब जाके पहुंचे उसी समय भगवान ने कहा बेटी बेटी का ओ ज्ञानी आओ तुम सबसे श्रेष्ठ हो सबसे बड़े बड़े बड़े। भक्त ने कहा हम पहले थे रोड के बगल लगे, तो उसी समय भगवान बोले भगत राज भगवान